माय स्कूलिंग फ्रॉम सज्जुरा हाई स्कूल, इंटरमीडिएट फ्रॉम सेमरा हाई स्कूल, आई कंप्लीटेड DFISM 1 ईयर कोर्स चीफिश अकेडमी छपरा। ओके ठीक है, जैसे क्या होता है? जैसे जॉब सेफ्टी एनालिसिस इज प्रोसेस ऑफ प्रोसेस और मेथड टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल हजार्ड फॉर पर्टिकुलर जॉब और प्रोसेस होता है। ओके, एक्सीडेंट और नियर मिस में क्या डिफरेंस है? सर एक्सीडेंट मतलब कोई भी ऐसा घटना, एक्सीडेंट एनी अनप्लानड अनवांटेड इवेंट इवेंट व्हिच मेन पर्सनल इंजरी और पर्सनल इंजरी डैमेज टू प्रॉपर्टी और डैमेज टू एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एक्सीडेंट। और नियर मिस होता है एनी अनप्लानड अनवांटेड इवेंट दैट हैज पोटेंशियल टू लीड टू इंजरी डैमेज लॉस और डिड डू सो डिड नॉट डू सो। ओके ठीक है, इसको हिंदी में बता सकते हैं? जी सर बताइए। मतलब वैसी घटना जिसमें हमें नुकसान हो उसे हम एक्सीडेंट कहते हैं, और वैसी घटना जिसमें हमें क्षमता थी नुकसान पहुंचाने की लेकिन हम बाल बाल पहुंच गए उस सर नियर मिस का। नियर मिस ठीक है। अनसेफ एक्ट क्या होता है? सर एनी अनरिस्पेक्टफुल बिहेवियर और एक्शन डन बाय वर्कर्स व्हिच कैन क्लोज एक्सीडेंट और द एक्टिविटी दैट लीड टू एक्सीडेंट क्लोज्ड बाय ह्यूमन अरेस्ट इज कॉल्ड अनसेफ एक्ट। इसका मतलब क्या? इसका सर मतलब ये होता है कि जो हम अपने से जानबूझकर गलतियां करते हैं जिसके कारण कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी हमें इंजुरी होती है उसे सर हम अनसेफ एक्ट करते हैं। जैसे सर अब्यूजिंग, रेसिंग, हॉर्सिंग, नॉट यूज पीपीई को दिया जाता है शॉर्टकट अपना ना, ये सब सर अपना मतलब अनसेफ एक्ट हो जाएगा। एग्जांपल रूल रेगुलेशन ये और नहीं जो भी काम चल रहा है अनसेफ एक्ट का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? अब्यूजिंग, रेसिंग, हॉर्सिंग, वेलफेयर फैसिलिटी क्या होता है? शॉर्टकट अपना ना, रिमूविंग गार्ड दिया जाता है और भी हो जाएगा। रिमूविंग गार्ड मतलब इससे क्या मतलब गार्ड लगा है उसका पालन अपना। अच्छा मुझे ये बताइए तो ये भी हमारा टीबीटी क्या होता है? आप बोल रहे हैं रिमूविंग गार्ड, रिमूविंग गार्ड का मतलब क्या? मीटिंग होता है जो वर्करों को रिमूविंग गार्ड उसका मतलब क्या? मतलब कि सर मान लीजिए गार्ड लगा है और हम क्या कर रहे हैं उसको रिमूव मतलब उसको हटा दे रहा है तो वो भी हमारे लिए खतरा हो जाएगा सर। जैसे कोई एक इक्विपमेंट का नाम बताइए जिस पे गार्ड लगा हो और उसे रिमूव किया जा रहा हो जो अनसेफ एक्ट में कंसीडर किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि सर हम काम कर रहे हैं सर मान लीजिए ग्रेसिंग का उसके काम कर रहे हैं उस पे गार्ड लगा रहता है आप अपने यूज के लिए उसको क्या किया हटा दिया तो उससे हम जो भी खतरा होगा वो हमारा अनसेफ्ट एक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? और सर बहुत सारे हैं सर, मान लीजिए कि कभी कभी हम देखने को मिलता है कि कभी मशीन हम खोलते हैं कोई मेंटेनेंस करने के लिए उसके बाद क्या करते हैं उसको इसी तरह छोड़ देते हैं और हम रिपेयरिंग भले उसको शुरू कर देते हैं तो भी हमारे लिए सर अनसेफ्ट एक्ट हो जाएगा सर। ठीक है, और सर और भी बहुत सारा एग्जांपल है जो कि आप दे सकते हैं? हाँ सर हाइट तो बहुत सारे। ठीक, हजार्ड क्या होता है? हजार्ड इज एनीथिंग दैट हैज पोटेंशियल टू क्लोज हार्म एंड एक्सीडेंट। इसका मतलब क्या होता है? सर इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी घटना जिसमें हमें नुकसान हो उसे हम सर हजार्ड कहते हैं। ऐसा कोई भी घटना जिसमें हमें नुकसान हो जी। अच्छा, तो फिर एक्सीडेंट का डेफिनेशन क्या होगा? सर हजार्ड इज एनीथिंग मतलब ऐसा कोई भी चीज जिसमें क्षमता होती है नुकसान पहुंचा देने का ये बोलिए उसे हम सर हजार्ड कहते हैं। ऐसे बोलिए, ऐसा कोई भी चीज जिसमें क्षमता हो हमें नुकसान पहुंचाने का चोट पहुंचाने का उसे हम हजार्ड कहते हैं। ऐसा कोई भी घटना जिसमें हमें किसी तरह का कोई नुकसान होता है क्षति होता है संपत्ति का नुकसान हो उसको है ना एक्सीडेंट करता है या फिर किसी व्यक्ति का डेथ हो जाए इंजरी हो जाए वो एक्सीडेंट होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सर।